Hello friends, how are you all? I hope you all are doing great and you are safe. So my name is Bipin Palande. I am a chartered accountant, and today we are going to learn an interesting yet scoring concept in mathematics that is called as Venn diagram. So Venn diagram में what would you be given? Venn diagram के problems, rather set theory के problems we can solve with the help of Venn diagrams. So Venn diagrams होते क्या है? Venn diagrams are closed diagrams जहाँ पे for example if I draw this, so this won't be called as a Venn diagram, but if I draw this, let us say this like this, so this would be a closed diagram, so this can be used as a Venn diagram. So Venn diagrams are often used to solve the set theory problems. So let us take some small example so that we can understand. ये है, and let us take one more as a universal set. So in set theory हमें पता है कि different types of variables can be expressed in terms of sets. तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक दो sets दिए हुए हैं आपको. Let us say कि क्रिकेट खेलने वाले लोग, क्रिकेट जिनको पसंद आता है वो लोग हैं, और मान लो यहाँ पे क्रिकेट वाले हैं, ये फुटबॉल वाले हैं, ठीक है. तो हमें क्या दिया है कि मान लो 10 लोग हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, एंड लेट अस से देयर आर 15 पीपल हु लाइक टू प्ले फुटबॉल. तो वी नो क्रिकेट इज टोटल है इसकी n ऑफ c है 10, n ऑफ f है दैट इज फुटबॉल, फुटबॉल की है लेट अस से 15, और दोनों पसंद है. कुछ लोग क्रिकेट भी खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग मतलब वही लोग फुटबॉल भी खेलना पसंद करते हैं. तो उसको हम बोल सकते हैं n ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल. मान लो ये लोग हैं 5. तो ये सबसे पहले हमें वी नीड टू लर्न कि कौन सा एरिया कौन सा है. फॉर एग्जांपल लेट अस नंबर इट. सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. सो ये 4 ही टाइप के एरियाज हो सकते हैं इन अ सेट थ्योरी प्रॉब्लम. इन अ सेट थ्योरी प्रॉब्लम्स विच हैज 2 टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है. तो ये 1 टाइप का है, दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी, और हमारे केस में क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल. तो ये है 5. देन सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप. तो सेकंड टाइप को हम बोल सकते हैं कि सिर्फ क्रिकेट पसंद है उनको, उनको फुटबॉल पसंद नहीं है. थर्ड टाइप इज वो लोग जिनको सिर्फ फुटबॉल पसंद है, जिनको क्रिकेट पसंद नहीं है. तो नाउ आई कैन नॉट पुट दिस 10 ओवर हियर बिकॉज ये 10 में 5 लोग ऐसे भी है जो फुटबॉल पसंद करते हैं. तो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस राइट इट डाउन ओवर हियर. 1 2 3 निकाल देते हैं. तो ये लोग हैं सबसे पहले ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में, सबसे पहले जो कॉमन वाले लोग हैं उनको हमें प्लेस करना है. तो ये 5 लोग यहाँ आ गए, ये वाले. अब मुझे बताइए क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है टोटल? यस, हाउ मेनी? करेक्ट, 10. बट उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनको फुटबॉल भी पसंद है, तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पसंद है ऐसे लोग कितने हो गए? यस, या करेक्ट, इट्स टोटल 10 क्रिकेट पसंद आने वाले लोग माइनस वो लोग जिनको फुटबॉल भी पसंद है. तो बाकी के बचे 5 लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पसंद है. सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर फुटबॉल एज वेल. टोटल 15 लोगों को फुटबॉल पसंद है, उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को क्रिकेट भी पसंद है, तो ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए. तो बाकी लोग बचे 10 जिनको मैं बोलूँगा कि ये लोग यहाँ पे आएंगे 3 नंबर के एरिया पे, जिनको सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पसंद है. तो टोटल लोग कितने हो गए? तो दैट इज सिंपल 5 + 5 + 10, दैट इज 5 + 5 = 10, 10 + 10 = 20. सो टोटल कितने लोग हैं? तो टोटल 20 लोग हैं, ठीक है. तो ऐसे ही प्रॉब्लम है जो 3 टाइप के सेट्स में आ सकता है. तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं, लेट अस सी वो कैसे सॉल्व करना है. चलो, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये दिखता कैसे है. तो मान लो ये एक सेट है, देन अरे इरेज हो गया, ये एक सेट है, फिर और एक सेट है, और देन लेट अस से और एक सेट है। ठीक है, तो ऐसा हो गया। मान लो यहाँ पे, ठीक है अभी नाम नहीं देते, वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर एग्जांपल एज वेल। तो मान लो ये ए सेट है, ये है बी सेट और ये है सी सेट। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। तो एक एक की बस डेफिनेशन जान लेते हैं। यहाँ पे 1 टाइप है, वो है, वो कैसा, एक इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं। 1 मतलब कौन लोग हैं, और जिनमें ऑल थ्री आते हैं, ऑल थ्री टुगेदर। यहाँ पे लिख देते हैं ऑल थ्री टुगेदर। देन 2 कौन सा है, 2 जिसमें ए और बी है बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी। ठीक है, ए एंड बी आते हैं बट सी नहीं आता है। देन तीसरा कौन सा है, 3 नंबर का है, बी एंड सी है, बी एंड सी बट नॉट ए, बी एंड सी है बट उसमें ए नहीं है। देन 4 नंबर कौन सा है, 4 नंबर इज ए एंड बी, ए एंड सी है, ए एंड सी बट नॉट बी। 5th नंबर इज व्हाट, ओनली ए, सिर्फ ए, सिर्फ ए, उसमें ना बी है ना सी है। देन 6th नंबर इज ओनली बी एंड 7th नंबर इज ओनली सी। और ये सब के ये सब ए बी सी सब छोड़ के बाहर वाले लोग हैं जिनको ना ए पसंद है, ना बी पसंद है, ना सी पसंद है, कुछ भी पसंद नहीं है उन लोगों को। आई डोंट नो व्हाट डू दे लाइक, नाइदर ऑफ 3। ठीक है, तो ये 8 एरियाज है जिनको हमें याद रखना है। और इफ यू रिमेंबर दीज 8 प्लेसेस क्लियरली और इनकी डेफिनेशन पता है, तो मतलब आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आपको सेट थ्योरी का वेन डायग्राम से सॉल्व करने वाला करने वाले सब प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको बस याद रखना है 1 कौन सा है, सब लोग ए बी सी। सेकंड इज ए एंड बी है बट सी नहीं है। थर्ड इज बी एंड सी है बट ए नहीं है। 4 नंबर इज ए एंड सी है बट उसमें बी नहीं है। 5th इज ओनली ए, 6th इज ओनली बी एंड 7th इज ओनली सी। और ये सब के बाहर, ये सब के बाहर आने वाले लोग हैं 8, जिनको ना ए पसंद है, ना बी पसंद है, ना सी पसंद है। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, मॉड्यूल में से एक सिंपल प्रॉब्लम ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ विच हमारी ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगी। लेट्स गो टू मॉड्यूल। मॉड्यूल में हमारे एक प्रॉब्लम है टी कॉफ़ी वाला, यस टी कॉफ़ी वाला। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, 48% प्रेफर कॉफ़ी, 54% लाइक टी, 64% लाइक स्मोक, दे यूज टू स्मोक, एंड देन बाकी कुछ कुछ डेटा दिया है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें ये सब नंबर्स हम लिख लेते हैं। ठीक है, चलो, अरे ठीक है, ए बी सी की जगह हम लिखेंगे टी कॉफ़ी एंड स्मोक। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं। एंड दिस एग्जाम्पल हैज़ द नंबर्स गिवन इन परसेंटेजेस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ परसेंटेजेस, विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ परसेंटेजेस एंड देन जस्ट मल्टीप्लाई 2000 विद द हेल्प ऑफ दोज परसेंटेजेस। ठीक है, तो क्या पढ़ लेते हैं, सबसे पहले पूरा प्रॉब्लम एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान में। आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस, 48% प्रेफर्ड कॉफ़ी, 54 tea and 64 smoke. Out of total 28 used coffee and tea, 32% used tea and smoke and 30% preferred coffee and smoke. Only 6% did none of these, none of these, ना tea prefer करते हैं, ना coffee prefer करते हैं, ना smoke करते हैं। तो ये 6% सबसे पहले clear वाला है, तो ये 6% यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ठीक है, 6% नहीं लिखते क्योंकि सब numbers हम percentage में लिखने वाले। So this total is 6. नाउ क्या दिया है हमें, 48% प्रेफर्ड कॉफ़ी, 54% लाइक टी, 64% स्मोक एंड पूरे कुछ कुछ नंबर दिए। तो लेट अस राइट डाउन कि टोटल 100 क्या होगा, 100 होगा, 100% वुड बी इक्वल टू t, I am not writing number but let us assume t to be n of t, then coffee plus smoke minus, हमारा फॉर्मूला क्या बताता है, t plus coffee minus t plus smoke minus smoke plus coffee and plus, plus क्या है दोस्तों, t प्लस कॉफी प्लस स्मोक। ये फॉर्मूला है सेट थ्योरी का, दिस वी ऑलरेडी नो। नाउ यहाँ पे जस्ट नंबर्स पुट करने हैं हमें, तो 100 नहीं होगा, 100 की बजाय क्या होगा 94। व्हाई 94? बिकॉज दिस 100 कंटेंस 6% ऑफ दोज पीपल हु डोंट लाइक एनीथिंग। ना उनको टी पसंद है, ना कॉफी पसंद है, ना वो स्मोक करते। तो 100 की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 100 की जगह हमें लिखना पड़ेगा 94, राइट। तो 94 यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस 94। और अब बस हमें ये सब नंबर्स इनपुट करने हैं। तो क्या है, 48% टी, 48% कॉफ़ी, 54 टी एंड 64 स्मोक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भैया, सब हम रब कर देंगे, एक ही नंबर रखेंगे जो नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, कौन कौन से है, 48, 54, 64, 48 प्लस 54 प्लस 64 माइनस, अब कॉमन वाले लेने हैं जिनको कॉफ़ी एंड टी दोनों पसंद है, 28, 32, 32 और लास्ट वाला है 30, ठीक है, ओके okay। और प्लस उसमें हमें टी, कॉफ़ी और स्मोक तीनों पसंद आने वाले या तीनों प्रेफर करने वाले लोग लिखने, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके, दिस 94 इज इक्वल टू, ये 48 प्लस 54 प्लस 64, ये आ जाएगा 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, ऊपर आ जाएगा 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16। तो ये तीनों का टोटल आ जाएगा 166, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। माइनस इन तीनों का टोटल क्या है, 28 प्लस 32 इज 60, 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, प्लस टी प्लस कॉफी प्लस ये तीनों पसंद आने वाले लोग, ठीक है। तो क्या बचा, अभी बस हमें टोटल लेनी है, और तो ये क्या आ जाएगा भाई, 166 माइनस 90, ये आ जाएगा 56, राइट। सो सॉरी 76 आ जाएगा, आई एम सॉरी 76 आ जाएगा, माइनस जिन लोगों को टी भी पसंद है, हम प्लस की जगह यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखेंगे, ठीक है। ये 76 को मैं वहाँ भेज दूंगा, तो क्या आ जाएगा 94 माइनस 76 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू n ऑफ नंबर ऑफ टी प्लस कॉफ़ी प्लस स्मोक, तीनों पसंद आने वाले लोग हैं 18, ठीक है। नाउ हमें सब, अब एक बार ये नंबर मिल गया, तो मैंने क्या बोला था वीडियो के शुरुआत में, सबसे पहले वो नंबर देखो जो सब में कॉमन है। तो ये नंबर हमें मिल गया जो हमें ऑल थ्री ऑफ टुगेदर, मतलब ये वन नंबर का, ये आ जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या नंबर्स है, लेट अस गो टू द प्रॉब्लम। क्या लिखा है, 48%, हाँ वो सब तो हो गया, 28% यूज कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉफ़ी है, टी है एंड स्मोक है, तो कॉफ़ी है, टी है एंड स्मोक है, राइट। तो कॉफ़ी एंड टी पीने वाले कितने लोग हैं, 28%, जिसमें से 18% लोग आर ऑलरेडी देयर हु प्रेफर स्मोक एज वेल. तो सिर्फ कॉफी एंड टी वाले लोग हैं 28 माइनस 18 दैट इज 10. तो ये 10 यहाँ आ जाएंगे. देन 32 है टी एज वेल एज स्मोक. तो टी एंड स्मोक का एरिया है ये, बट इसमें से 18 लोग हैं वो कॉफी भी प्रेफर करते हैं. तो सिर्फ और सिर्फ स्मोक करने वाले और टी पीने वाले लोग जो कॉफी नहीं पीते ऐसे लोग हैं यहाँ पे, जो आ जाएगा 32 माइनस 18 दैट इज 14. और लास्ट वाला 30% जो कॉफी एज वेल एज स्मोक करते हैं तो दैट इज 30. तो 30 में से 18 निकाल दो तो बच जाएगा 12. अब कुछ नहीं बचा, अब बस 3 सब्ट्रैक्शंस करने हैं बस. टोटल कॉफ़ी की है टोटल 48. तो 48 में से ये 3 नंबर तो ऑलरेडी है. तो 18 प्लस 12 इज 30, 30 प्लस 10 इज 10. तो बचे कितने 48 माइनस ये तीनों की टोटल जो आती है 40. तो ये बन जाएंगे 8% लोग. सिर्फ टी पीने वाले लोग कैसे निकालेंगे तो 54% लाइक टी. तो ये तीनों की टोटल 10 प्लस 18 दैट इज 28, 28 प्लस 14 इज इक्वल टू 42. और ये 54 में से मैं माइनस करूंगा क्योंकि सब लोग मिल के टी पसंद करते हैं. तो 54 माइनस 42 इज इक्वल टू 12. एंड देन लास्ट वन कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं वो है 64%. कॉफ़ी नहीं स्मोक करने वाले. तो दैट इज 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 4 इज 44. और 44 है स्मोक करने वाले बाकी लोगों से कॉमन होने वाले, बट टोटल स्मोक करने वाले लोग हैं 64%. तो उसमें से ये 3 नंबर्स अगर मैं निकाल देता हूँ तो बचेगा बस 20. तो ये 20% लोग हैं वो सिर्फ स्मोक करते हैं, ना वो कॉफ़ी पीते हैं ना वो टी पीते हैं. ठीक है. 8% लोग हैं वो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, ना वो टी को टच करते हैं ना स्मोक करते हैं. और 12% लोग हैं जो सिर्फ टी पीते हैं, ना वो कॉफ़ी पीते हैं ना वो स्मोक करते हैं. ठीक है. अब ये सब नंबर्स आ गए. एक बार जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए हम टोटल लेते हैं. तो दिस इज 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 12 इज 30, देन 30 प्लस 12 इज 42, 42 प्लस 18 42 प्लस 18 इज 60, देन 60 प्लस 14 इज 74, 74 प्लस 20 इज 94 एंड 94 प्लस ये 6% लोग जो कुछ भी नहीं पसंद करते दैट इज 100. ओके. सो 94 प्लस 6 इज इक्वल टू 100. तो सब लोग कवर हो गए. अब बस अब कुछ नहीं, अब बस नंबर्स कैलकुलेट करना है. तो पहला क्वेश्चन क्या है द नंबर हैविंग ऑल थ्री हमें पता है 18% लोग हैं. तो यहाँ पे इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ ये बाकी का रब करते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 ऑल थ्री तो हमें पता है. 21 का आंसर क्या है? ऑल थ्री दैट इज $2000 × 18%. तो 2000 × 18% मतलब 2000 × 18/100. तो ये 100 के 2 0 निकल जाएंगे. 18 × 20 इज सिंपल 360. तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा 21st का आंसर होगा ए 360. देन सेकंड क्वेश्चन क्या है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी. मतलब वो उनको बस टी पीना है और स्मोक करना है बट कॉफी नहीं पीना है. तो ऐसे लोग कौन है? टी एंड एस बट नॉट कॉफी. तो ये 14% आ जाएंगे. तो 22nd का आंसर कैसे निकालेंगे? अगेन दिस 2000 × 14/100. तो अगेन ये 2 0 निकल गए यहाँ के. तो 14 × 20 आ जाएगा 280. ठीक है. तो 280 ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. एंड देन लास्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रेफरिंग ओनली कॉफी. तो ओनली कॉफी वाले हमें पता है ये लोग हैं भाई साहब, ये 8% लोग. तो 23 का कैसे निकालेंगे? अगेन दिस 2000 × 8/100. तो ये 2 0 निकल जाएंगे भाई. और 8 × 20 वो आ जाएगा 160. राइट. सो दिस 160 ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. ओके. तो एज यू कैन सी एक बार ये नंबर्स तुम्हें आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमने यहाँ पे राइट साइड में लिखे हैं ये वाले। तो एक बार ये कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए तो आप कोई भी टाइप का वेन डायग्राम का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज 8 नंबर्स। ठीक है, सो आई होप ये कंसेप्ट से आपको सेट थ्योरी के वेन डायग्राम के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी एंड फिर आप कौन से भी टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो यू कैन जस्ट मेंशन दैट प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो, बाय बाय, टेक केयर।